नाज़रीन, मेरे साथ माहिर शख्सियत साथ जनाब सादतुल्लाह खान साहब हैं, जो हैदराबाद आए हुए हैं और 3 रोज़ा वर्कशॉप के सिलसिले में उन्होंने यहाँ पर काफ़ी लोगों की शख्सियत साजी की। आइए अब हम इनसे बात करते हैं। सर, ये जो आजकल जो शहरी ज़िंदगी है, इसमें शख्सियत साजी को काफ़ी अहमियत दी जा रही है, तो ये शख्सियत साजी है क्या, ये बताएं हमें पहले। ये शख्सियत साजी क्या है? एक कैरेक्टर है, मॉरल है, इंसानियत है। आज एक ज़माने में, आज नौजवानों में, आज नई नस्ल में इंसानियत मरते चले जा रही है। पूरा हैवानियत और अपनी खुदगर्जी और अपनी ख्वाहिशात, अपने एंजॉयमेंट का इसमें फंसे हुए हैं। एक्सटर्नल डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन अंदर अखलाकी किरदार वो मायर करने का ये वर्कशॉप है, जिसके अंदर अपने इंसानियत को बढ़ाने का है। वो एक वर्कशॉप 3 दिन का है, डिस्कवरी ऑफ सेल्फ। ये जो मुस्लिम कम्युनिटी है, इसमें जो है, ये जो मॉडर्न जो तरीक़े हैं ज़िंदगी गुजारने के, जो अभी जो शख्सियत साजी जो आजकल जो मौजूद बहस है, तो आप क्या समझते हैं हमारी कम्युनिटी को इसकी कितनी ज़रूरत है? नहीं, हमारी कम्युनिटी तो इसमें तो तवज्जा ही नहीं है। हमारी कम्युनिटी का मोस्ट प्रायोरिटी जो है खाना पीना मज़ा करना है, एंजॉयमेंट है। इल्म और सीखना और इसके सक्सेस के पर ज़ीरो प्रायोरिटी है। लेकिन हमें यूरोप में, बाहर गैर खो में देखेंगे कि अक्सर 80-90% मनी अपनी पर्सनल डेवलपमेंट में खर्चा करते हैं, इल्म के लिए खर्चा करते हैं, लेकिन हमारे 80-90% पैसा जो है अपने खाने पीने कपड़े अपने जेवर में खर्चा करते हैं, तो ये ज़ीरो है। इसलिए हम बता रहे हैं ये वर्कशॉप से कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है इस दुनिया में हमको जीने के लिए। जो अल्लाह ताला ने हमें अशराफुल मखलूकात बना के भेजा है, हम इंसान बना के भेजा है, हमें इंसान बनकर जीना है। लेकिन हम क्या बन गए हैं? हैवान बन गए हैं, खुदगर्ज बन गए हैं। घर घर में फितना हो गया है, 3-3 महीने 2-2 महीने में तलाक़ें हो रहे हैं। आज लड़कियाँ शादियाँ नहीं करना चाह रहे हैं कि ये हमारे लड़के निकम्मे बन गए, पढ़ रहे नहीं हैं, खाली फिर रहे हैं, आवारा गर्दी हो गई है, नौकरी नहीं रहे, झूठ बोल रहे हैं और शादियां कर ले रहे हैं। शादियों के बाद लड़कियों को पता चल रहा है कि ये तो इंजीनियर भी नहीं है, ना तो 5,000 रुपये कमा रहा है, लेकिन घर में खाली 24 घंटे सो रहा है, खेल रहा है, रातों को पूरे दोस्तों के साथ फिर रहा है, रातों में जाके खेलते हैं, मोटर बाइक लेते चला रहे हैं, घर में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जब आ रहे हैं तो पूरे ससुरे को ढूंढ रहे हैं और बीवी को ऐसा कर रहे हैं। तो ये आने वाली नस्ल के लिए बहुत ज़रूरी है कि क्या डायरेक्शन देना है। कोई ना उलमा है, ना तो रिलीजियस डायरेक्शन है, ना दुनिया की डायरेक्शन है, एमलेस हो गए, कंफ्यूज हो गए नई जनरेशन हमारे पास। आपने जो अभी ये मसाइल बताए हैं, तो आप क्या समझते हैं इनके जो है सॉल्यूशंस किस तरह होंगे, इनके हल किस तरह होंगे? इनका हल जो है, पहले जो बेसिक्स होना है, फंडामेंटल्स। फंडामेंटल बेसिक जो है, मैं कौन हूँ, मेरा मकसद जिंदगी का क्या है। अब जब तक ये बेसिक्स नहीं मालूम है, तो ये समझ गए कि खाली जिस्म है, बॉडी है, दुनिया है, पैसा चाहिए, अच्छी सी नौकरी चाहिए, अच्छी बीवी चाहिए, एंजॉय करो, मज़ा करो, मर के जाओ। लेकिन हमें भूल गए कि हमारा एक फ़र्ज़ है, ज़िंदगी है, हम इंसान ही नहीं है, हम उसके ऊपर मुसलमान हैं, एक मोमिन हैं। इसका मकसद है कि दुनिया में हम इंसान जो है, अल्लाह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि मुसलमान वो है जो दूसरों को फ़ायदा पहुँचाने वाला। तो मैं एक इंसान हूँ, मेरा मकसद भूल गया तो मैं हैवान बन जाता हूँ, जानवर बन जाता हूँ। तो हैवान की वजह से हम तो सारे मकसद भूल जाते हैं। अभी मैं आपकी यहाँ पर जो है वर्कशॉप अटेंड कर रहा था, आप ख़ास तौर पर जो मैपन है, जो ईगो है, उसको जो है दूर करने की बात कर रहे हैं। तो बेसिक प्रॉब्लम जो है, मैं एंड दिस इज़ द होल प्रॉब्लम ऑफ ऑल द फितना इन एवरी घर में, हर घर में फितना है, अनाका है। अब यही इस्लाम आया है इस अना को निकालने के लिए, मारने के लिए, पहचानने के लिए। अना क्या चीज़ है? मेरी राय है, मेरा ओपिनियन है, और हर शख्स मैं समझता है कि मैं सही हूँ, मुझे सब कुछ मालूम है। अब यही जाके अपना व्याख्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो यही जानना चाहिए कि वो मैं नहीं हूँ, जो मैं समझा मैं वो नहीं हूँ, तो मैं जो समझा मैं वो नहीं हूँ, तो मैं कौन हूँ? मैं जिस्म नहीं हूँ, कोई समझ गया कि मैं जिस्म हूँ, मैं जिस्म नहीं, मेरे पास जिस्म है। कोई समझ गया कि नौजवान आज समझ गया मैं दिमाग हूँ, चालाक हूँ, ये हूँ, मैं दिमाग नहीं, मेरे पास दिमाग है, तो मैं कौन हूँ?
तो ये जाना है कि मैं हकीकी में मैं कौन हूँ, इंसान हूँ। यही पूरी तालीमात कुरान कहता है और नबी की तालीमात और अल्लाह ताला ने कुरान भी आके पहचानने के लिए मैं कौन हूँ। अब जब तक हमारे अंदर से मुसलमानों के अंदर से ये अना नहीं जा रहा, मुसलमानों को तबाही की तबाही क्या भी नहीं है। सारे आलम दुनिया में देखें आज मुसलमानों की तबाही किस वाला क्या है, अल्लाह का अजाब है। अल्लाह का अजाब क्यों है कि मैं हूँ, वो मैं जो हूँ अना है, अना जो है शैतान है, शैतान जो है ईगो है। अब जब तक हमारा ईगो नहीं मरेगा हमें इस दुनिया में जलील होंगे और जलील बन के तबाह हो जाएंगे। मैं देख रहा था कि यहाँ पर काफ़ी तादाद में ख़वातीन भी जो है आई हुई हैं, तो आप क्या समझते हैं ये जो शख्सियत साजी को ख़वातीन कितनी अहमियत दे रहे हैं? ना बाबा, शख्सियत साजी दोनों है, ज़िंदगी जो है मर्द और औरत है। औरतों के लिए सबसे ज़्यादा चाहिए क्योंकि मदर जो है, माँ जो है फ्यूचर जनरेशन देती है। माँ के गोद में नेक्स्ट जनरेशन पलती है। अब माँ ही खुद इल्म नहीं है, कुछ मालूम ही नहीं है तो क्या करेगी माँ। तो इसलिए माँ और औरत के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ जानना है कि क्या चीज़ है, क्योंकि घर का सेंटर है वो, आने वाली नस्ल उसके हाथ में है। लेकिन आज माएँ क्या हो गए, काम नौकरी जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपने औलादों को हवाले कर दिए नौकरों के पीछे। ना किसी को वक्त है, ना माँ को वक्त है, ना बाप को वक्त है। इसलिए औलादाएँ जो है, नौजवान है, बाहर आवरगिरी कर रहे हैं, दोस्तों के साथ कर रहे हैं, घर में मोहब्बत नहीं है। जब घर में आए तो माँ बाप चिढ़ रहे हैं, माँ बाप उनसे मोहब्बत नहीं कर रहे हैं। आज यही फितना चल रहा है घर में। तो औरतों को तालीम जो एक्सटर्नल तालीम दे दिए हम, लड़कियाँ आज ये भी एक फितना है कि लड़कियाँ तालीम हो गए BSc बी MD डॉक्टर इंजीनियर बने, लेकिन लड़के नहीं पढ़ रहे। अब मैचिंग हो रहे, शादियाँ नहीं हो रहे, लड़कियों को मैच नहीं मिल रहा है। अब ये लड़कियाँ ज़ाहरी इल्म हो गया, लेकिन बातनी जो है, अखलाकी शनाख्ती, कैरेक्टर, मॉरल, ये इल्म कोई नहीं दे रहा है। और इसके ऊपर हमें तवज्जो देना है कि अखलाकी पहले इंसान हो तुम, बाद में इंजीनियर डॉक्टर हो, पहले मैं मुसलमान हूँ बाद में दूसरा हूँ। तो ये चीज़ें कमी हो गई है। अखलाक के ऊपर हमको काम करना है, रिलेशनशिप काम करना है, क्योंकि आज शादियाँ 8-8 दिन में, महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में टूट रहे हैं। हम इसको बचा सकते हैं जब तक नहीं कि हमको, जब तक अखलाक और किरदार के ऊपर काम नहीं करें। यहाँ पर हैदराबाद में एक जो मौजू है जिस पर बहस जारी है वो ये है कि नौजवान जो है यहाँ पर रातों में काफ़ी देर तक जगते हैं और अपनी सेहत, अपना वक्त जो है और अपना करियर वगैरह सब बर्बाद कर रहे हैं, तो आप इस मसले को किस तरह देखते हैं? देखिए बाबा, ज़ाहरी मसला जो है, आजकल जो नौजवान बेकार हो गए हैं क्योंकि उनको खुद मालूम नहीं कि कन्फ्यूज़ हो गए हैं, उनको मालूम नहीं कि सिर्फ उनका मकसद हो गया है मज़ा करो। अब माँ बाप एक्चुअली ऐसा भी हो रहा है कि माँ बाप के पास बहुत पैसा आ गया है, सऊदी में चले गए, दुबई चले गए हैं, घरां बन गए हैं, दौलत आ गई है, मोटर बाइक्स दे डाले हैं, दौलत पूछे तो मोबाइल आ गया है, सब कुछ आ गया है। ये अयाशी में हो गए, ये समझे कि मेरे पास सब कुछ, कुछ करना नहीं है। अब इनका हल क्या है कि भाई इनको पता नहीं कि क्या करें, हम कैसे करें, इनको कैसे समझाएं। सुनने वाले नहीं ना, अपना दिमाग का सुनते ना, कितना भी बोलो उनको कोई हासिल करना, मेहनत करो वो करना नहीं चाहते ना। अब ये जो इंसान ज़िद कर रहा है, मेहनत नहीं कर रहा है, तो उसको कुछ नहीं कर सकते। बट रास्ता है, ये रास्ता जो है कि इल्म का रास्ता है, कि ज़ाहरी इल्म नहीं है, इंजीनियर का नहीं है, पढ़ लें, लेकिन अंदर का इल्म है, अखलाकी इल्म है, वो चीज़ जानना चाहिए। इंसानियत का तालीम देना है कि उनको इंसान पहले बनाना है। अब वो बन सकता है इंसान घर में और माँ बाप में। और ये इस्लाम आया, ये मज़हब इस्लाम है, एक जीने का रास्ता दिखाता है, ये रास्ता कामयाबी का रास्ता है, ये रास्ता अखलाक का रास्ता है। बेहद शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे सादतुल्लाह खान साहब से, जो माहिर शख्सियात हैं, वो हैदराबाद आए हुए थे। उन्होंने यहाँ पर 3 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया। मैं कैमरा मैन अशोक के साथ, मैं अनीसुर रहमान, ETV न्यूज़ हैदराबाद।